वहीं पका दिया था अभी, वहीं पका दिया था अभी। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी को पता है, इससे पहली वीडियो में हम लोग जा रहे हैं चंडिका घाट को, और यहीं पे मैंने पहली वीडियो का पार्ट वन ख़त्म किया था और पार्ट टू यहाँ से स्टार्ट होता है। हम लोग हैं ओखलिया पुल से जस्ट आगे पे, और अब यहाँ से हमारी चंडिका घाट की जर्नी स्टार्ट होती है। तो सभी दोस्तों का वेलकम है दोबारा से। और रास्ता कुछ ऐसा है यहाँ पे, सेकेंड पार्ट में आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट में देखा होगा हमने कैसे कहाँ से आए क्या किया, और सेकेंड पार्ट में रास्ता अभी ऐसा है कुछ, और मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। तो दोस्तों, नीचे जो झुड़ी की गाड़ थी वो काफ़ी तगड़ी उफान पे आई थी वैसे, और अब आगे रामगंगा देखनी है और चंडिका घाट देखना है। टीम वाले काफ़ी आगे पहुँच गए मेरे टेक लेने के चक्कर में, और बैग टूट गया है तो इससे हालत काफ़ी ख़राब हो रही है, एक ही तरफ लोड जा रहा है। तो चलो आगे को पहले मैं उनको कवर करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो अभी फ़िलहाल रास्ता कुछ ऐसा है, ऊपर नीचे दोनों तरफ जंगल, पता नहीं काहे का जंगल है, वैसे साल का लग रहा है तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, किसी को पता है तो बता देना। और यार पता नहीं टीम वाले कहाँ गए, मैं पीछे ही रह गया हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में, कहीं मैं गलत रास्ते पे नहीं आ गया हूँ। चलो वैसे तो रास्ता तो यही लग रहा है, नीचे नीचे नदी की हल्की हल्की सी आवाज़ आते हुए, और सफ़र काफ़ी खूबसूरत है। करीब अभी तक हम लोग 11-12 किलोमीटर चल गए होंगे, और पता नहीं वो लोग कहाँ गए। चलो मिल जाएंगे जहाँ भी हैं। गाने लगाता हूँ और थोड़ा कवर करता हूँ, थोड़ा रनिंग मारता हूँ। तो गाइस फिलहाल हम रास्ते पे ही हैं, और सौरभदा मेरे को मिल चुके हैं, और दो लोग हम यहाँ पीछे चल रहे हैं, चार लोग आगे चल रहे हैं। ऐसा है कुछ, रास्ता अभी भी जंगल ही है पूरा। सौरभदा काहे का जंगल है यार, ये साल का है क्या, ये लकड़ी का अंदाज़ा नहीं आ रहा मेरे को, इनको भी नहीं आइडिया। मेरे ख्याल से साल का ही है, कोई जानकार आदमी होगा तो बता लेगा कमेंट पे। तो दोस्तों पता नहीं अभी यहाँ से कितना रास्ता है, और सफ़र काफ़ी मज़ेदार है। तो दोस्तों यहाँ से देखो आप फिलहाल कितना तगड़ा व्यू है, और जो मैंने आपको पहले पार्ट में दिखाया ना, कई पहले जो झरना था वो इधर है, और सोचो हम इधर से इतने पहाड़ काटते हुए दोबारा यहाँ से घूम के इधर आ रहे हैं। वैसे इधर से आते तो इधर हमें छोटी सी नदी पार करनी पड़ती बोल रहे थे, और यहाँ से क्या ही अल्टरनेटिव व्यू है यार, भाई साहब मज़े आ गए। रास्ता पूरा बंजर पड़ा है, पैदल मार्ग लोग आते हैं नहीं आते, पता नहीं क्या है सीन आजकल। तो मतलब यार हम कितना घूम के आए ना एक हिसाब से पूरे, पर लेकिन मज़ेदार सफ़र था यार। ओखलिया भी देख लिया हमने साथ साथ ही, अगर उस रास्ते आते तो ओखलिया देखने का मौका नहीं मिलता हमें। यहाँ से ऐसे ऐसे ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं खूबसूरत से, वाह। चलो आगे चलते हैं, चलो सौरभदा। मिलते हैं और आगे कहीं खूबसूरत जगह पे। तो दोस्तों जंगल में करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक ऐसा रूट मिला है जहाँ पे 2 रास्ते हैं, और यहाँ से हमें नीचे वाले रास्ते पे जाना है। अभी मैं भी भबरी गया था खुद, उनको कॉल करके पूछा आगे जो गए हैं तो यहाँ से है बोल रहे हैं, और वो लोग तो मंदिर से कुछ ही दूर हैं, मतलब हम जस्ट कुछ आधे घंटे या 20 मिनट में हम लोग मंदिर पे होते होंगे। रास्ता कुछ ऐसा ही है अभी, यहाँ पे पूरा नीचे रोड है बोल रहे हैं, वो रोड पे रुके हैं हमारे, वहाँ पे को देखते हैं कैसा है। और नीचे हल्की हल्की झुड़ी की नदी की झुड़ी की गाड़ की आवाज़ आते हुए, और सौरभदा मेरे आगे आगे चल रहे हैं। तो शायद यहाँ से कोई नहीं आता है, ऐसा रास्ता हो रखा है पूरा पूरा बंद हो रखा है, पता नहीं यहाँ पे, ओ भाई साहब पूरे भूड़ ही भूड़ हो गया है, यहाँ से पैदल कोई नहीं आता क्या, यही रास्ता है क्या, ये नहीं है यार, कहाँ बुला रहे हैं, वो भयंकर यहाँ तो पूरा बंद हो रखा है, कोई आदमी नहीं दिख रहा है, ऐसा सुनसान जंगल है। आगे एक छोटा सा गांव तो दिख रहा था ऊपर से, शायद आगे है, रोड भी है और छोटा सा गांव तो था यार आगे, एक कच्ची सी सड़क भी है, और जंगली जंगल है पूरा यहाँ, जानवरों के अलावा जंगली जानवरों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। आगे घर हैं, पता नहीं अभी हम एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ हैं, ऊपर ऐसा जंगल है कुछ। गर्मी भी हो रही है हल्की हल्की, धूप जब सिर पर लग रही है, तो यहाँ तो पूरा बंद हुआ है यार आजकल, पैदल लोगों ने बंद कर दिया है क्या, भाई साहब ये देखो तो ऐसा है रास्ता पूरा।
तो दोस्तों वो है वो झरना, और वहाँ से घूमते हुए 3-4 पहाड़ पार करने के बाद ये सामने जो आपको जंगल दिख रहा है, यहाँ से होते हुए ये रास्ता निकलता है इधर रोड पे, शायद गाड़ी वाले रास्ता यही होगा। आप यहाँ पे क्यों बैठ गए यार, गर्मी हो रही है। चलो ऊपर जाना है, नीचे जाना है। अब ऊपर कहाँ होगा यार, नीचे को होगा शायद। एक बार कॉल करता हूँ, शायद नीचे को ही हो। और क्योंकि जो उखलिया मतलब उखलिया वाली नदी आ रही थी वो नीचे है, तो वो भी मिलती होगी ना नीचे, तो आई होप नीचे ही होगा। और यहाँ कुछ ऐसी लोकेशन है, फ़ोन करता हूँ उनको। तो दोस्तों रास्ते के ख़त्म होते ही हम नीचे सड़क पे आ गए हैं, और यहाँ से नीचे को जाना है हमें। और यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, शायद यहाँ से अभी 1-2 किलोमीटर और हो और फिर हम पहुँच जाते हैं। यहाँ पे केले के पेड़ देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ से कितना और है, कितना और है यहाँ से? 2 किलोमीटर है शायद। एक कुत्ता और भौंक रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक अम्मा से पूछा कितना है करके, 2 किलोमीटर के करीब और है शायद, और 1.5 किलोमीटर। और कुत्ता हमारे पीछे दोबारा से आ गया। अबे ये काटना मत भाई, बता दे रहा हूँ। और अमरूद भी हैं यहाँ पे, वैसे हाथ हाथ पे नहीं आ रहे ना यार, अमरूद खाते नहीं, तो दूर दूर हैं यार, कच्चे हैं। चलो कोई ना, आते समय देखते हैं इनका, आधे समय खाएंगे। चलो आगे को देखते हैं अभी कैसा है। गर्म इलाका है तभी अमरूद वगैरह हो रहे हैं यहाँ, और आम के पेड़ भी हैं लेकिन आम हुए तो नहीं है। ऊपर को एक गांव है छोटा सा, पता नहीं नाम तो मेरे को कुछ नहीं पता यहाँ का। तो दोस्तों यार वहाँ पे को एक अमरूद का पेड़ था, और थोड़ी भूख भी लगी थी, तोड़ लिया, माफ़ करना जिसका भी पेड़ था, भूख लगी थी यार। तो दोस्तों यहाँ पे की खेती वगैरह भी कुछ ऐसी हो रही है, इनका भी धान आन पूरे काट दें इन्होंने, मडुआ भट वगैरह का चल रहा है इनका भी आजकल सीजन। और अब मैं दोबारा से अमरूद का पेड़ ढूंढ रहा हूँ यहाँ कहीं। अमरूद कैसा था, सरल था अमरूद, बहुत ही टेस्टी यार, इतना लाल वाला अमरूद था, छोटा सा उसका एक दाना भी ना, मेरे को इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ना, एनर्जी इकोनॉमिक्स की भाषा में कहूँ तो फुल यूटिलिटी। सो दोस्तों फाइनली ये है आपके सामने राम गंगा का पहला व्यू, और सामने पे जो आपको दिख रहा है वो है गंगोली हाट। ये देखो दोस्तों, ये नीचे आपके सामने राम गंगा, और ये देखो यहाँ पे चंडिका माता मंदिर, मतलब चंडिका घाट। वाह यार, पहली बार आ रहा हूँ ज़िंदगी में खूबसूरत सी राम गंगा, नीचे जाके आपको दिखाता हूँ पूरा। और राम गंगा पूरी उफान पे है यार, पिछले दिनों की बारिश से काफ़ी ख़तरनाक पानी हो रखा है। तो यहाँ कुछ ऐसा जंगल है, और पहली बार आया और पैदल आया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को लिटरली यार। अब देखो यहाँ से पूरा, यहाँ पे पेड़ थोड़े साफ है ना, ये देखो हमारा चंडिका घाट, वाव। तो दोस्तों फाइनली आपके सामने प्रस्तुत है ये खूबसूरत सी राम गंगा, भाई साहब क्या व्यू है यार। और सामने पे चंडिका घाट मंदिर, ओ भाई पीछे से सौरभ भाई आ रहे हैं, अभी थोड़े पीछे रह गए हैं वो, और क्या तगड़ा व्यू हो रहा है भाई साहब यहाँ पे, पहली बार आया ना मेरा, क्या तगड़ा एक्सपीरियंस है यार, सच में मज़े आ गए, कितना तगड़ा सीन हो रहा है। पता नहीं भाई लोग कहाँ गए आगे, देखता हूँ अभी। और ये देखो, ये जो गाड़ी रूट आती है ना पूरी यहीं तक आती है यार, ये देखो ना यार, सच में लिटरली यार। और यहाँ भीड़ तो अक्सर रहती है शायद, आज भी बहुत है। और ये देखो यहाँ से राम गंगा, स्नान करने के लिए भी ठीक है यहाँ पे को, पर ज़्यादा वो नहीं दिखानी है यहाँ पे नौटंकी। तो दोस्तों सामने देखो आपके प्रस्तुत है चंडिका घाट, चंडिका माता मंदिर, और यहाँ पे को ये खाना वाना बनने वाला होगा जिसकी पूजा वगैरह होती है। आगे पता नहीं बड़ी लोग कहाँ गए, आगे होंगे कहीं। देखो गाड़ी यहीं तक आई है दोस्तों इस बार, आजकल मतलब मैं तो पहली बार ही आया हूँ, मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं था ऐसा। जय माता, सभी मेरे व्यूअर्स के लिए आशीर्वाद मांगूंगा, और सब कमेंट में जय माता दी लिखना आज। और यहाँ भजन चल रहे हैं यार, बस इसी की दिक्कत है ना। देखो यार वाह, तुझे तेरे नाम बुलाते हैं, आ जाओ
सामने पे देखो यार आप, आज पहली बार आए ना, क्या बढ़िया है। तो दोस्तों यार सामने पे व्यू पॉइंट देखो यार, ये भजन के उससे मैं क्या कहते हैं ना, ज़्यादा ये सॉन्ग को लगा नहीं सकता इसमें ना। ओ भाई साहब, जय राम गंगा। बड़ी लोग कहाँ के पता नहीं, ये देखो घोड़े भी हैं आपको दो। वाह यार क्या ही मस्त लोकेशन है। और ये है हमारा चंडिका घाट मंदिर, चंडिका माता मंदिर। सही है यार, वाह क्या लोकेशन है। और यहाँ पे हमारे भैरव बाबा हैं शायद। सच में यार लिटरली मज़ा आ गया। तो दोस्तों जस्ट मेरे पीछे है चंडिका माता मंदिर, और यार वहाँ भजन लग रहे हैं ना, तो दूर आके मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है और आपको सामने से व्यू दिखाऊं। सच में यार आप बिल्कुल खुश हो जाओगे कितना तगड़ा दिख रहा है यहाँ पे से। सामने पे रामगंगा है मेरे जस्ट नीचे पे, और इस पर पैर डाल के भी बैठ सकता हूँ मैं, दिखाऊँ आपको। तो ये देखो यार भाई साहब क्या मस्त सीन हो रहा है। वाओ वो पुल है वहाँ पे को शायद, और सामने को ये लग जाता है गंगोली हाट, और भक्तजन काफ़ी आ रखे हैं इधर अभी भी फिलहाल, और हमारे टीम मेंबर वो अभी पहुंच रहे हैं यार उधर, और हमसे आगे थे ये पता नहीं किस रास्ते आए। ये देखो यार कितना सही सीन है। ये है सामने पे मंदिर, भजन के उससे दूर आना पड़ रहा है यार। घोड़े देख रहे हो आप बिल्कुल घास चढ़ते हुए, क्या ही तगड़ा सीन है यार सच में। यहाँ देखो वाह, दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा भाव हो रहा है, ज्यादा यहाँ पे हीरो पंछी नहीं दिखानी है। तो भाई डूब गए, तो देखो भाई लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, और इसमें इतना तगड़ा भाव हो रहा है ना भाई यार, ए नीचे को मत जाना बेटा, इतना तगड़ा भाव हो रहा है ना। मैं अभी गया है, ये पत्थर है यहाँ पे, ये पत्थर छोड़ा सीधे वहाँ पहुँचा देगा भाई। नाना किनारे में नहाओ बेटा, ज्यादा मत नहाना वहां को, बहुत तगड़ा हो रहा है, मैंने देख लिया एक्सपीरियंस से। तो दोस्तों यार अभी हम लोग यहाँ नहा रहे थे, और ये भाई देखो यार बॉडी। दोस्तों रामगंगा का भाव इतना ज्यादा हो रहा है ना सच में, अगर आदमी यहाँ पे से दो एक मीटर भी आगे चले जाएगा उसको भाग के वो उधर पहुँचा देगा ये। तो ज्यादा यहाँ पे हीरो बनती दिखाने की जरूरत है भी नहीं, और हमने नहा लिया है। बाकी अब भाई को जाते हैं और आपको दिखाते हैं फिर, और मंदिर में तो भजन लगे हैं यार, वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है तभी। और पीछे भाई लोग सब नहा के आ गए, हम नहा धो के तो आ गए हैं, और जो भी आजकल के सीज़न में आएगा ना इधर, ज़्यादा यार प्लीज़ वो मत करना जिसको जानकारी नहीं है, तैरना है ना नहीं आता, हमें ही नहीं आता भाई बगल में, अगर हम थोड़ा सा भी एक मीटर भी अंदर घुसे ना सीधे बहा के ले जाएगा ये, इतना तगड़ा हो गया पानी ना, और जितना तगड़ा आपको व्यू दिख रहा है ना उतना ही तगड़ा भाग सकता है ये आपको। तो हम लोगों ने फिलहाल थोड़ा सा डुबकी मारी और थोड़ा बहुत नहाया, ज़्यादा नहीं, और बाकी आ गए हैं बाहर को। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, पीछे मंदिर भी आपको मैंने पहले दिखाई दिया था, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर।